हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉय व्लॉग्स। और मैं हूँ प्रशिक मून, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो फर्स्ट व्लॉग में हम एक कैफ़े में जाने वाले हैं। जो कैफ़े वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि वो कैफ़े का नाम क्या है। और अभी तो घर पर हूँ, इसलिए बारिश चालू है, इसलिए घर पर ही रुके हैं। और ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर कुछ नहीं। और मेरे साथ है मेरा दोस्त पारस। फ्रेंड्स, आप तो मुझे जानते हो, मेरा नाम है पारस और ये हमारा पहला ब्लॉग है। आपका सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए हमारा बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है। आज हम पहला हमारा ब्लॉग शूट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद द जॉय ब्लॉग्स। एंड सो चलो मिलते हैं हम कैफे के। और तो अभी हम पहुंच गए हैं शॉप पे, और शॉप का नाम आप दे सकते हैं इंजीनियर्स कट्टा, नहीं तो इंजीनियर्स किचन। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे 5 मिनट हो गए पहुंच गए हैं, और अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है रेट और क्या है रेट और कैसा है खाना, वो भी बताते हैं। और इसका एड्रेस है मानेवाड़ा स्क्वायर के पास है। हम आए हैं तो नहीं क्या, पहले ही सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज आपके हाथ पहले सैनिटाइज किए जाते हैं, फिर आपको अंदर लाया जाता है। हमने भी हाथ सैनिटाइज किया है पहले, और आप मेनू कार्ड भी देख सकते हैं, इसमें प्राइस भी है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा रिजनेबल है कि ज़्यादा है कम है, तो वो आपको बाद में बताऊँगा। हाँ, हम ट्राई करने वाले घर जाके, यहाँ तो खा नहीं सकते, उसके बाद आपको रिव्यू मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अपना नाम बताएं। उज्ज्वला बालपांडे। आरती भिमटे। समता आठवले। तो आप तीनों ने पार्टनरशिप में शॉप चालू किया है, तो आपके शॉप को चालू हुए कितने दिन हो गए? सॉरी, शॉप को चालू हो गए कितने दिन हो गए? अभी 25 को 1 महीना हो जाएगा। तो 1 मंथ हो जाएंगे। और टाइमिंग क्या है शॉप का? सुबह 7 से लेके तो रात के 9 बजे तक के। और ये जोमेटो स्विगी दोनों पे अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। और इंजीनियर्स कट्टा या इंजीनियर किचन, ये यानी कि आपको ये नाम कैसे सजेस्ट हुआ है? हम तीनों भी इंजीनियर्स है, इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा नाम रखे, मतलब तीनों ही इंजीनियर है, तो इसी नाम से क्यों ना अपना खुद का होटल शुरू करें, थोड़ा सा हट के नाम रखना। हाँ हाँ, इसीलिए। और हम तीनों भी अच्छा कुकिंग करते हैं, हमको इंटरेस्ट है कुकिंग में, इसलिए हमने सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ हट के होना चाहिए। नाम भी इंजीनियर्स कट्टा, इंजीनियर्स किचन, इसीलिए ऐसा दिया हुआ है। नहीं, नाम बहुत अच्छा है। और ये जो रेसिपी है सब आपकी रेसिपी है? हाँ जी। यानी आप सब प्रिपेयर खुद ही करते हो? हाँ, खुद ही अपना प्रिपरेशन रहता है। हाँ, स्पेशल क्या मिलता है? वड़ा पाव, तरी पोहा। हाँ। वड़ा पाव, तरी पोहा, मिसल पाव। मिसल पाव। तो टेस्ट सब हमारी है रेसिपी, सिर्फ हमने कुक को वैसे मतलब तैयार किया है कि किस तरह से बनानी है। अगर मिसल पाव हो गया तो पुनेरी, वड़ा पाव हो गया तो बॉम्बे। यानी पूरा मुंबई पूना पैटर्न है। तो आपके यहाँ ब्रेकफास्ट भी मिलता है और लंच भी आप देते हो, तो लंच लंच के बारे में स्पेशलिटी अपनी वड़ा पाव की है। तर्री पोहा शुरू होता है, जो कि 7 बजे से तर्री पोहा और चाय का इंतज़ाम जैसे रहता है। और आइए, काफ़ी लजीज खाना देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे, वहाँ वड़ा पाव बनना चालू है, तो कैसा बनता है और कितना हाइजीन है वो देखेंगे अभी अंदर। तो अभी हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ये रखा गया है। देखिए, अभी वो ग्लव्स तो पहन नहीं सकते वड़ा पाव बनाते समय, पर वो मैम ने ग्लव्स पहने, चाय बना रहे तब। और किचन एकदम साफ है, कोई ये नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्लव्स पहन के यहाँ काम कर रहे हैं। प्रिपरेशन करो, ये वड़ा पाव प्रिपरेशन करेंगे तो
साबुदाना वड़ा बनना चालू है। सर आप कितनी देर फ्राई करने को रखते हो साबुदाना वड़ा? 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट यानी अच्छे से कुक हो जाता है वो अंदर से। तो ये देखिए बन गया है पनीर पकौड़ा और अभी वो ये सर्व कर देंगे। मैम एक इसमें कितने ये आते हैं, पीस कितने आते हैं पनीर पकौड़े में? 8 से 9 आ जाते हैं। तो 8 से 9 यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी देते हैं यहाँ पे एक प्लेट में। ये देखिए अभी यहाँ तो ये देखिए पैक करके दे रहे हैं वड़ा पाव एकदम पनीर पकौड़ा एकदम अच्छे से। हाँ तो ये देखिए अच्छे से पैक हो गया है। और ये मैम कौन सी चटनी डाल रहे हैं मैम इसमें? हरी चटनी? नहीं नहीं सॉस सॉस डालना पड़ेगा। सॉस डाल रहे बोलते हैं वहाँ पे। ये देखिए टमाटो केचप डाल दिया उन्होंने वहाँ पे और ये पैक कर दें। तो हमारे पनीर पकौड़े का ऑर्डर हो गया रेडी और अभी ये चीज़ वड़ा पाव। तो ये चीज़ वड़ा पाव का भी ऑर्डर हो गया है पूरा और अभी उसको पैक करके दे रहे हैं। तो दूसरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी शॉप चालू होकर जितने भी दिन हुए सर रेगुलर कस्टमर है तो आप बताइए सर टेस्ट कैसे लग रहा है? बढ़िया टेस्ट है। मैं यहाँ से रेगुलर फूड पार्सल लेकर जाता हूँ। टेस्ट में बहुत अच्छा है इसलिए शायद मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ। अभी फिलहाल उपवास की वजह से उपवास के लिए चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। तो सर आप रेगुलर क्या लेकर जाते हैं ज़्यादा? यहाँ से मैंने तो अभी उपवास का लेकर गया हूँ साबुदाना वड़ा वगैरह। बीच में मैंने स्नैक्स वगैरह भी चेक किया था तो बढ़िया टेस्ट है हमारे एरिया में फूड। हम खाने वाले लोगों के लिए बढ़िया रेस्टोरेंट। तो सर आप 10 में से कितने रेकमेंड करेंगे? 10 में से 9। 9 तो बहुत अच्छा है ये है रेकमेंड यानी उन्होंने बहुत अच्छी रेटिंग दी है। तो थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारा पार्सल अभी रेडी हो गया है। अभी हम घर जाएंगे टेस्ट करेंगे और रेटिंग देंगे और प्राइस बताएंगे आपको कि रिजनेबल है या ज़्यादा है कम है। तो अभी हम पहुँच गए हैं घर और मेरे साथ है मेरा दोस्त पारस। तो मेरा नाम है पारस खिलजरे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इज़ कॉल्ड पारस। तो हम अनबॉक्स कर दिया है पैकेजिंग आप कर लिए है और ये देखिए पनीर पकौड़ा है और ये साबुदाना वड़ा, ये फरसान है, ये फरसान है और इसके साथ ये जो तर्री मिलती है मिसड़ के साथ वो तर्री है और ये ब्रेड दिए है पाव और ये वड़ा पाव चीज़ वड़ा पाव। तो अभी हम बहुत अच्छा लग रहा है और हमको भूख भी लगी है तो हम ट्राई करके देखते हैं और आपको रिव्यू भी देंगे। तो पहले देखते हैं पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा और गोभी टोमेटो केचप के साथ थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छी है और पनीर भी फ्रेश है इसलिए और अच्छी टेस्ट आ रही है। और पनीर को पहले अंदर से थोड़ा मैरिनेट किया है ये देख सकते हैं आप। वो देखने में तो भी अच्छा लग रहा है और शायद तुम्हें पहली बार खा रहा हुई है और खाने में भी अच्छा है। पनीर पकौड़ा बहुत अच्छा है, ज़्यादा तीखा भी नहीं है और मीडियम है ऊपर बहुत अच्छा है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं साबुदाना वड़ा। तो साबुदाना वड़ा के रिव्यू देंगे आपको खाने के बाद में। साबुदाना वड़ा हम ट्राई कर रहे हैं केचप के साथ में। टेस्ट बहुत अच्छा है एकदम घर जैसा टेस्ट है आपको मिल रहा है और खाने में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे से फ्राई किया है इसे इसलिए आपको वो कच्चा नहीं लग रहा अंदर से एकदम पका हुआ है। और एक ट्राई करके देखता हूँ मैं। साबुदाना वड़ा बहुत अच्छा है और अभी देखते हैं इनकी खासियत वड़ा पाव। जो वड़ा पाव के अंदर स्टफिंग भर के रखी है ये मूंगफली की चटनी है और हरी चटनी है और इसमें चीज़ भी है। ये देखिए आप चीज़ देख सकते हैं जो नीचे से डाला गया है ये देखिए। तो अभी ट्राई करके देखता हूँ मैं।
टेस्ट बाकी बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तीखा है पर आपको खा के अच्छा लगेगा। और वड़ा पाव तीखा है अच्छा। और चटनी बहुत अच्छी बनी है इसलिए वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा आ रहा है, पर आप ट्राई करिए जाके, बहुत अच्छा है। तो अभी हम ट्राई करें पुनेरी मिसल बन, देखिए बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से यह है, अभी ट्राई करके देखते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है और वो यानी मीडियम है और बहुत अच्छे से, और फरसान भी बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, तर्री की टेस्ट भी बहुत अच्छी है, तर्री भी अच्छी है। और लॉकडाउन के बाद में पहली बार कुछ ऐसा खा रहा हूँ बाहर का, और लॉकडाउन के बाद बाहर का जो भी कुछ आप खाएंगे आपको अच्छी टेस्ट आएंगे, बिकॉज बहुत दिनों से खाया नहीं है ना, पर मिसल अच्छी है बहुत। वीडियो को इम्प्रूवमेंट के लिए हमको आपके कमेंट्स चाहिए, तो आप कमेंट्स पर कीजिए कि हमें वीडियो में कौन सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये हो गया, सब ट्राई कर लियो ओरल, यानी सब ट्राई करने के बाद सब अच्छा है। तो अभी पारी है रिव्यू की, तो पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ ओवरऑल कितने का गिरा हमको। पूरे चार आइटम गिरे 195 के, उसमें से था पुनेरी मिसल 40 रुपीस का गिरा हमको, और जो चीज़ वड़ा पाव है वो 20 का गिरा, और साबूदाना वड़ा 25 का गिरा, और पनीर पकौड़ा 90 गिरा। तो अभी यानी रेटिंग देने की बारी है, तो मेरे हिसाब से मैं दूंगा उसको 10 में से 9, क्योंकि देखिए जो वड़ा पाव था वो ज़्यादा स्पाइसी था, पर जो पनीर पकौड़ा था वो ज़्यादा तीखा नहीं था, फीका फीका था, और मेरे हिसाब से मेरी जो रेटिंग है वो 10 में से 9 है, और रेट भी रिजनेबल है, ऐसी बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत हाई रेट नहीं है, बहुत लो रेट नहीं है, मिडल है, सटल रेट है। तो अभी पारस का पूछते हैं, पारस को रिव्यू। जैसे कि हमने हमारा दोनों ने अभी खा लिया है, तो हमारा रिव्यू तो सेम ही है, और रिव्यू की मेरी खुद की बात करें तो मैं भी 10 out of 9 का ही रिव्यू दूंगा। और प्रोडक्ट जो भी हमने मंगाए थे चारों के चारों बहुत स्वादिष्ट है, सबसे ज़्यादा तो मुझे पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा लगा, पनीर पकौड़ा अच्छा लगा, उसके साथ में मुझे वड़ा पाव भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्लाइटली वड़ा पाव थोड़ा सा तीखा था, तो चलता है कोई बात नहीं, वड़ा पाव तो तीखा ही होना चाहिए तब मज़ा आता है। और साथ ही साथ में और बात किया जाए तो ये वीडियो के बाद में आप लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो नीचे में आप कमेंट्स कीजिए, अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताइए, साथ ही साथ में जॉय ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जॉय मून को और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, यहाँ पे हम आपके इंस्टाग्राम लिंक्स दे देंगे, और जो शॉप का जो लोकेशन है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट ऑनर, एंड दिस इज़ माई प्लेजर, दिस आवर प्लेजर टू शोइंग ऑल ऑफ द स्टॉप्स इन द वीडियो। थैंक यू। तो चलिए बाय।